कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही आधे से ज्यादा लोग पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन लोगों में ये जागरूकता लाने की बेहद जरूरत है कि आज के युग में कैंसर से भी लड़ा जा सकता है। इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान इंग्लैंड से शुरू होकर कुरुक्षेत्र तक पहुँच गया है। इंग्लैंड से कैंसर से लड़ने वाला एक शख्स साइकिल पर दुनिया भर में जागरूकता के उद्देश्य से 18 महीने पहले इंग्लैंड से साइकिल पर 27,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचा। वहीं चुनौतियों से लड़कर कैंसर की जंग जीता 17 साल का देव भी उसके साथ इस यात्रा में शामिल हो गया है। 2007 में कैंसर था, 1.5 साल का था मैं, और देखने वालों ने मेरे को छोड़ दिया, बस मेरी मम्मी मेरे साथ थे। तो उन्होंने, उनके पास इतना जज्बा था और उन्होंने बस हार नहीं मानी, उन्होंने बोले कि मेरा बच्चा मरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने घर वालों को छोड़ के दिल्ली आ गए 2007 में, और 2007 में घर वहाँ पे दिल्ली में आने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आया, तो कैंकर स्कैन एक हो रहा है जिसके फाउंडर पूनम बगाई मैंने, उन्होंने हमारा हाथ खाने पीने और रहने की व्यवस्था करी। अभी भी एक दूसरी NGO है जो बच्चों के लिए खाने पीने और जो पीड़ित परिवार हैं उनके सहायता के लिए खड़ी है आज भी। तो उसने मेरे को एक टाइप का जीवन दान दिया। तो फिर मेरे को कैंकर से एक बार फ़ोन आया कि देव, एक यूथ नाम का लड़का है, इंग्लैंड से चला है, क्या तुम उसके साथ साइकिल चलाना चाहोगे, वो अभी 25,000 किलोमीटर लगभग चल गया है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वो कॉज कर रहा है, अभी लोग को कैंसर अभी भी है पर वो अभी ठीक है, पर अभी उसका पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मैं 2009 में ठीक हो चुका हूँ। इस विशेष अभियान में शामिल कुरुक्षेत्र पहुंचे दोनों ही साइकिलिस्ट ने जागरूकता के लिए लोगों को संदेश दिया। वहीं अग्रवाल समाज ने इन युवाओं का स्वागत किया और अग्रवाल धर्मशाला में समाज के लोगों ने कैंसर के प्रति जागरूक करने के इस अभियान की खूब सराहना की। पंजाब के सिटी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।